छत्तीसगढ़ नारायणपुर अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों पर बड़ा हमला बोला है, जिसमें अब तक 5 नक्सलियों को मार गिराया है। अबूझमाड़ में महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर 5 जिलों की संयुक्त टीम ऑपरेशन पर निकली थी। 2 दिन तक चली मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान करने पर 5 वर्दीधारी हैं नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन के लिए 1000 जवानों को उतारा गया था। सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उसी दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसा देखा जाए तो विगत 6 महीने में काफ़ी निर्णायक हमको बढ़त प्राप्त हुआ है। अब तक 136 माओवादियों की डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स, जैसा LMG से लेकर AK-47 इंसास, ये सभी इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद की गई थी। और जिन क्षेत्र में आमतौर पर जो माओवादियों का एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, उन इलाके में लगातार भी कार्रवाई हुआ। जैसा अबूझमाड़ के अंतर्गत ये 5वां जो ऐसा बड़ी अभियान विगत 6 महीने में, जिसमें हमको काफ़ी बड़ी सफलता भी प्राप्त हुआ। और उत्तर बस्तर इलाके में भी कार्रवाई हुआ और दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, इस प्रकार सभी डिवीजन के इलाके में कार्रवाई हुआ, जिससे माओवादी काफ़ी बैकफुट में है। और जैसा हमेशा ये बात को भी मानता हूँ, दुश्मन का ताकत को कम आकलन नहीं कर रहा है, अभी भी हमको पूरा सावधानीपूर्वक आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उसी दिशा में सभी सुरक्षा बल सदस्य को हम अलर्ट मोड में रखकर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला बहुत जल्दी नक्सल संगठन की खात्मा होगा और क्षेत्र की जनता को नक्सल आतंक से मुक्ति मिलेगा। आज बलरामपुर खाद एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिला मुख्यालय के आसपास के होटल एवं रेस्टोरेंट्स में कार्रवाई की गई है। बलरामपुर कलेक्टर के निर्देशानुसार बलरामपुर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बलरामपुर मुख्य मार्ग में संचालित तो होने वाले ढाबा एवं होटल में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत बलरामपुर खाद्य औषधि की टीम ने दबिश देते हुए कार्रवाई की है। नमूनों का सैंपल जब्त किया है। कार्यवाही निरंतर चलेगी। अभी जैसे बरसात के मौसम में जैसे गंदगी है वो बढ़ती है, तो इसके लिए हम लोग की एक टीम, उड़नदस्ता टीम, एनी टाइम घूमते रहती है। और एक टोल फ्री नंबर भी है, अगर किसी ग्राहक को भी लगता है तो उस नंबर पे कॉल आता है। बाकी हम लोग तहसील वार इस कार्यवाही को निरंतर रखेंगे। ईंट से भरे माजदा वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के नगर पंचायत खरौद की है। जानकारी के मुताबिक कन्हैया यादव पामगढ़ थाना क्षेत्र के भैंसों का रहने वाला था। मृतक बाइक के जरिए खरौद से शिवरी नारायण जा रहा था, इसी दौरान तेज रफ्तार माजदा वाहन ने उसे टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस परिवार के बच्चों को स्कूल आने जाने मिली बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, बड़े सौभाग्य की बात है, पुलिस परिवार के स्कूली बच्चों को स्कूल आने जाने के ये बस की सुविधा मिली है। हाथरस की घटना को लेकर मुख्यमंत्री साय ने दुख व्यक्त किया है। मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस पहल के लिए मैं गृह मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ अडानी समूह के भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उनके पहल के लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ और हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रयास है कि हमारे पुलिस के जो बच्चे हैं वो भी उन स्कूलों में पढ़ते हैं, सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं, KPS में पढ़ते हैं और भी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये बस एक किनारे से उनको स्कूल छोड़ते हुए फिर छुट्टी के बाद उनको वापस घर पहुंचाने का काम करेगा, तो ये बहुत अच्छा पहल है। मैं फिर से एक बार हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी को और अडानी समूह को धन्यवाद देना चाहूँगा और बाकी और भी कंपनियों से मेरा आग्रह होगा कि इस तरह का मदद का काम करने में वो आगे आए। स्मार्ट सिटी एवं इंदौर शहर की तर्ज पर रायपुर को निखारने और देश में स्वच्छता के मामले में नगर पालिका निगम रायपुर को श्रेष्ठ स्थान दिलाने के लिए आज नगर निगम मुख्यालय में स्वच्छता को लेकर नगर निगम के महापौर, निगम आयुक्त, नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा दल, कांग्रेस दल के पार्षदों एवं MIC मेंबर्स के साथ शहर स्वच्छता के मामले में गंभीरतापूर्वक बैठक हुई। बैठक के बाद महापौर ने कहा, स्वच्छता सर्वे में हमें अब जनता के सुझावों, जनप्रतिनिधियों के विचारों को शामिल करेंगे। जो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उसको तो प्राइज मिलेगा, मगर इसमें 3-4 लोगों को संतावना पुरस्कार भी मिलेगा, ये डिसाइड भी किया गया है।
और एक महत्वपूर्ण चीज भी डिसाइड की गई कि नेता प्रतिपक्ष हम कमिश्नर साहब उसके अलावा जो संबंधित वहां के विधायक हैं उन लोगों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। जब जोनों में हम जाएंगे हर जोन में एक से लेकर परसों एक नंबर से लेकर दस नंबर जोन तक की हमारी बैठक हमने रखी है। उस बैठक में संबंधित वहां के जो MLA हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे सबसे विचार विमर्श लिया जाएगा और जब पक्ष उपक्ष के लोग जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष और हम जाएंगे, क्योंकि हर जोन में पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्योंकि ये लड़ाई में सब लोग को शामिल होना है, मेहमान कलाकार जैसे ग्राउंड के बाहर नहीं खेलना है, सबको ग्राउंड में आके खेलेंगे, मतलब आपको पूरी टीम का आपको हिस्सा बनना है, तब जाके मुझे लगता है कि जंग को हम जीत पाए।